हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। सो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं, सो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइस, इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। सो जैसे कि आपको पता है, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी को, कि क्या है आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसकी एडवांटेजेस, नेक्स्ट उसकी डिसएडवांटेजेस को कवर करेंगे, और लास्ट में आपका एक क्विज टेस्ट होगा इसी टॉपिक से जो हमने अभी डिस्कस किया है। तो ध्यान से देखेंगे और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो अगर एडवांटेज की बात करी जाए, कि अगर आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना चाहते हैं तो आपको क्या फायदा होगा। पहली बात तो लायबिलिटी लिमिटेड है। सोल ट्रेडर में क्या था, लायबिलिटी अनलिमिटेड थी। पार्टनरशिप में भी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी। यहाँ पे क्या है, लायबिलिटी लिमिटेड है उतने ही अमाउंट तक जितना आपने शेयर खरीदा है उस कंपनी का, या शेयर के थ्रू कैपिटल में कंट्रीब्यूशन दिया है। अगर कंपनी को कोई लॉस होगा तो शेयर होल्डर ऑफ कंपनी को ऐसा नहीं कि अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ेगी उस लोन को या लॉस को पूरा कराने में, बस उतना ही देना होगा जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है कंपनी में। तो पहली बात तो ये बोझा नहीं है आपके पास कोई अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला, लाइबिलिटी लिमिटेड है तो आप बेनिफिट में हो। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि पब्लिक कंपनी का देखा था, जो शेयर होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं, आप उनको ट्रेड कर सकते हो। आपको लगता है मुझे ये शेयर नहीं चाहिए, मुझे इसको बेचना है, तो आप बेच सकते हो, कोई और आपका खरीद लेगा, ठीक है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है उस कंपनी, मान लो पैसा लगाया और कल को चाहते हो मेरा पैसा मुझे मिल जाए, तो वो आपको मिल जाएगा, आप शेयर बेच दो। तो ये एक बेनिफिट है कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल है, आप कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट वाले जो शेयर में इन्वेस्ट किया अमाउंट को उसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हो और किसी और कंपनी का शेयर खरीद सकते हो। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मींस, एज अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर, इट एंजॉय परपेचुअल सक्सेशन, व्हिच मींस कंपनी कैन बी फॉर्म बाय लॉ एंड कैन बी एंड बाय लॉ थ्रू द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप ओनली। मतलब कि कंपनी जो है वो कैसे बनी है, लॉ के तहत बनी है, और उसके जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर हैं, उससे उसकी एग्जिस्टेंस अलग है। कल को आपको कुछ हो गया, अपने मान लो रिलायंस का शेयर ले आए, आपको कुछ हो गया, तो वो कंपनी नहीं बंद होगी, वो चलती रहेगी, ठीक है। आपके होने ना होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी एग्जिस्टेंस लॉ के थ्रू ही हुई है, वो लॉ के थ्रू ही वाइंड अप भी किया जाएगा, तो सेपरेट एग्जिस्टेंस इंजॉय करता है। अब सोल ट्रेडर के क्या है, सोल ट्रेडर को कुछ हो गया तो वो बिजनेस ऑफकोर्स बंद हो जाएगा, या पार्टनरशिप में पार्टनर्स को कुछ हो गया तो बिजनेस बंद हो जाएगा, बट इसमें ये चीज़ नहीं है, इसमें ये चीज़ फ्यूचर में बेनिफिट है। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंसिव, जो भी कंपनी है उसका पास स्कोप ज़्यादा है भाई, कंपनी में रिसोर्स भी ज़्यादा है, ठीक है। आपके बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, सबने पैसा लगाया है, आपके पास बल्क में पैसा है, उस पैसे को यूज़ करके आप कंपनी को एक्सपैंड कर सकते हो और ग्रोथ कर सकते हो। इवन आप जो भी प्रॉफिट, जो भी आपने रिटेन किया है, उसको ग्रोथ और एक्सपेंशन में लगा सकते हो, न्यू मार्केट में टैप कर सकते हो, ये सारे फीचर। एफिशिएंट मैनेजमेंट की बात करी जाए, कि हर बिजनेस जो है उसको स्पेशलाइज्ड पीपल की ज़रूरत होती है, या एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है अपने बेटर परफॉर्मेंस के लिए, और कंपनी पर इतना ज़्यादा पैसा होता है कि वो एक्सपर्ट को हायर कर सकती है अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकती है। नेक्स्ट इज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, ऑफकोर्स कंपनी जो है वो बहुत सारा पैसा जो है वो जनरल पब्लिक से ला सकती है। अगर आप सोल ट्रेडर की देखो, सो वो जितना फैमिली से ला सकता, फ्रेंड से ला सकता, अपने से ला सकता, बस उतना। पार्टनर्स का भी वही है, बट यहाँ पे आप पूरी पब्लिक को अलाउ कर रहे हो कि वो आपके शेयर खरीद सकते हैं, तो कैपिटल यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। बिसाइड द वैल्यू ऑफ शेयर इज वेरी लो, देयरफॉर पीपल विद लेस और स्मॉल सेविंग कैन बाय शेयर। अब शेयर की वैल्यू आप जितना चाहे 10 रुपए का खरीदो, 20 रुपए का खरीदो, तो कोई भी लोग जिनकी इवन कम भी सेविंग, वो भी आपकी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। सो ये एक अच्छा फीचर है आपका कंपनी का। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी की। डिसएडवांटेज क्या है आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी की, पहला है कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, मीन जो प्रोसेस है कंपनी की फॉर्मेशन का वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी है, ठीक है। आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी होगी कंपनी को फॉर्म करने के लिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें सबमिट करना होगा। तो बहुत लोगों को लगता है कि कंपनी को फॉर्म करना क्या है, टफ है, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा।
इवन एक्सपर्ट को हायर करना होगा, लॉयर वगैरह, उनको भी फीस पे करनी होगी, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होगा, उनको भी डॉक्यूमेंट देना होगा, उनको फी पे करनी होगी। तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। सोल ट्रेडर आराम से हो जाएगा, ठीक है, पार्टनरशिप आराम से हो जाएगी, इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं। बट इसमें आपका एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो बहुत लोग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को खोलने से हिचकिचाते हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ सीक्रेसी। ऑफकोर्स कंपनी जो है ना, वो अपने जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिक को डिस्क्लोज करती है। मतलब अगर उसने पब्लिक से पैसा लिया है तो वो अपने जो भी ऑडिट वगैरह कराती है, जो भी उसका मान लो प्रॉफिट हुआ है या जो भी उसका स्टेटस रहा है, वो डिस्क्लोज करना पड़ता है उसको न्यूज़पेपर में एंड ऑल। तो वहाँ पे उसके पास इतनी नहीं है कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रख सकती है, उसको वो मार्केट में शेयर करनी ही करनी पड़ेगी, जिससे लोग कहते हैं कि सीक्रेसी नहीं है। आप पार्टनरशिप में पार्टनर्स अपने तक बात रख सकते हैं, प्रोपराइटर अपने तक बात रख सकता है, बट यहाँ पे वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट मीन्स क्या, कि जैसे कंपनी जो है वो प्रोफेशनल और एक्सपर्ट को हायर करती है, मीन्स जो उसके ओनर है वो तो बहुत ही कम ही कंपनी को मैनेज कर रहे होते हैं, बट वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट इन लोग को हायर कर लेती है और उनको सैलरी देती है उस रिटर्न में, कि मतलब आप ये सब देखो, बिजनेस एक्टिविटीज संभालो और हम आपको पे कर रहे हैं आपका अमाउंट। तो कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, जैसे प्रोपराइटर है वो डायरेक्ट कस्टमर से डील कर रहा है, कस्टमर के कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग उनको सर्व कर रहा है, तो पर्सनल टच में। बट यहाँ पे ऐसा कुछ पर्सनल टच नहीं होता है, आप कभी भी अंबानी से जाके प्रोडक्ट नहीं खरीदते हो, ठीक है, जो भी वहाँ के एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल है, वही आपसे डीलिंग कर रहे हैं। तो लैक ऑफ पर्सनल टच ऑफ कोर्स है, और इन अदर वर्ड, इफ देयर इज इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, इट विल ऑल्सो नॉट इंक्रीज द सैलरी ऑफ एक्सपर्ट, विच रिजल्ट इन लैक ऑफ मोटिवेशन इंसेंटिव। और दूसरा ये भी है कि वहाँ के जो इंप्लॉयज हैं, ठीक है, मान लो कल को कंपनी का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उस एक्सपर्ट की सैलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगी, या तो करेगी नहीं या तो बहुत कम करेगी, ठीक है, तो उसको उन लोगों को ज़्यादा मोटिवेशन भी नहीं होता कि हम मतलब बड़ा इंटरेक्ट करें चीज़ उसमें, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी हूँ, वो बस उतना ही कर रहे हैं जितना उनको मिल रहा है, परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं होगी। लिमिटेड रेगुलेशन, ये वही वाली बात होगी कि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी पड़ेगी अलग अलग स्टेज पे, बहुत सारे लोग ये फॉर्मेलिटीज़ नहीं कर पाते हैं और उनको पेनल्टी भी बेयर करनी पड़ती है, जैसे कि एनुअल रिपोर्ट आपको फाइल करनी है हर साल, अगर आपकी कंपनी ऑफकोर्स जो जहाँ रजिस्टर कराई वहाँ पे, तो वह लोग होते हैं जो नहीं करा पाते हैं, तो उनको उसका फाइन भरना पड़ता है, और अगर करवाते हो तो उसमें भी आपको बहुत सारा पैसा और समय देना पड़ता है कंपनी का, तो ये सब चीज़ों से भी लोग भागते हैं और कंपनी नहीं फॉर्म करते। डिसीजन भी डिले होगा ऑफकोर्स, जो भी डिसीजन होंगे इंपॉर्टेंट, वो लोगों को बैठा के बोर्ड की मीटिंग करा के लेंदी प्रोसेस के थ्रू गुजर के करना पड़ेगा। वन पर्सन कंपनी में पहले 1 पर्सन ले ले, बट अगर हम मोटा मोटा देखें तो कंपनी की ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो प्राइवेट और पब्लिक में भी आप जाओगे ही, तो डिसीजन आपका डिले होगा। आप सोल ट्रेडर होता है वो अकेले ले सकता था, पार्टनर 3 है तो आपस में ले लिया, बट यहाँ पे अलग अलग लेवल जो है कंपनी का, अलग अलग कोई बड़ा मेजर डिसीजन है तो सब तक बात जाएगी एंड देन वो इम्प्लीमेंट होगी, तो डिले होता है डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट इज ऑलिगार्किंग मैनेजमेंट। ऑल्दो इट इज सेड दैट डेमोक्रेटिक सेटअप एग्जिस्ट इन कंपनी, द ट्रूथ इज दैट एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर नॉट इन रियल लाइफ। माना जाता है कि कंपनी में डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट है, जो भी लोग हैं वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट ये सिर्फ पेपर वर्क में ही है। रियल में देखोगे तो पूरा कंपनी का कंट्रोल उन्हीं के हाथ में होता है जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, आप सब लोग मिलकर डिसीजन नहीं ले रहे हो, डायरेक्टर बता रहा है क्या करना है, उसी हिसाब से सब लोग अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि डायरेक्टर वही चीज़ें करते हैं जिसमें उनका फायदा हो रहा होता है, अपने हित को ध्यान में रखते हुए, वो कंपनी के इंटरेस्ट शेयर होल्डर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। ऑफकोर्स बहुत सारे लोग हैं, जैसे डिवेंचर होल्डर हैं, शेयर होल्डर, एम्प्लॉयज हैं, डायरेक्टर, मैनेजर हैं, जो सारे कंपनी के ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं और सबका अपना अपना कुछ इंटरेस्ट है, मतलब शेयर होल्डर चाहते हैं हमारा शेयर की वैल्यू बढ़े, डिवेंचर होल्डर चाहते हैं हमारा डिवेंचर वैल्यू बढ़े, इंप्लॉयज चाहते हैं हमारा सैलरी बढ़े, मैनेजर चाहता है हमारा कमीशन सैलरी बढ़े, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। तो ऑफकोर्स ऐसा तो होगा नहीं कि इतने सारे लोग साथ काम कर रहे हैं या डिसीजन मेकिंग हो रही है तो उनको आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, होगा, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। लेट्स टेक अ क्विज टेस्ट। व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ कंपनी फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे अच्छी एडवांटेज क्या है, मेन एडवांटेज क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ईजी ट्रांसफर होता है ओनरशिप का थ्रू सेल ऑफ शेयर, नो नीड फॉर फॉर्मल रजिस्ट्रेशन, या रिस्ट्रिक्टेड एबिलिटी टू रेज कैपिटल। सो इट इज ईजी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप थ्रू शेयर ऑफ सेल ऑफ शेयर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज इज एसोसिएटेड विद लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कंपनी। कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी से आपकी कौन सी एडवांटेज है वो एसोसिएटेड है लिमिटेड लाइबिलिटीज। ये शेयर होल्डर पर्सनली लाइबल होंगे कंपनी डेट के लिए, शेयर होल्डर लाइबिलिटी लिमिटेड होगी उस अमाउंट तक जितना शेयर का अनपेड अमाउंट है, कंपनी एसेट आर नॉट प्रोटेक्टेड या कंपनी कैन नॉट बोरो फंड्स। ऑफकोर्स शेयर होल्डर की लाइबिलिटी उतने तक ही लिमिटेड होगी जितना उनका अनपेड शेयर है। वॉट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग लीगल सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस
या आइडेंटिटी स्टेटस फॉर अ कंपनी। अगर कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस है तो उसके लिए क्या फायदा होगा कि कंपनी इंडिपेंडेंटली अपने ओनर्स के बिना एग्जिस्ट कर सकती है, कंपनी को पे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, कंपनी को लीगल रेगुलेशन नहीं फॉलो करने पड़ेंगे, या कंपनी को कोई भी फॉर्मल रिकॉर्ड नहीं रखना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स अगर सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है तो कंपनी अपने ओनर के बगैर भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। विच एडवांटेज डज अ कंपनी हैव इन टर्म ऑफ रेजिंग कैपिटल? कैपिटल रेज करने के टर्म में क्या कंपनी के एडवांटेज है? तो क्या लिमिटेड ऑप्शन है कंपनी के पास फंड रेज करने की? एबिलिटी टू रेज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल थ्रू इशूइंग शेयर्स? ऑफ कोर्स यही है, ये सब तो नहीं है। व्हाट इज द कॉमन डिसएडवांटेज ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कॉमन डिसएडवांटेज क्या है कि कंपनी की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है शेयर होल्डर की, हाई लेवल ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड पेपर वर्क, ईजी एंड सिंपल टू डिजोल्व, या नो नीड फॉर फॉर्मल रजिस्ट्रेशन। तो फॉर्मल रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, इतना सिंपल डिजोल्व नहीं होती, ठीक है, वाइंड अप करना उसका भी प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। सो कॉमन डिसएडवांटेज क्या है? फर्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉर शेयर होल्डर, हाई लेवल ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड पेपर वर्क। सो यही है कॉमन डिसएडवांटेज कि बहुत ज्यादा रेगुलेशन है, पेपर वर्क है कंपनी में इन्वॉल्व। सो ये एक कॉमन डिसएडवांटेज है कंपनी की। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज रिलेटेड टू सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन कंपनी? कंपनी में सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन सी डिसएडवांटेज है? इंक्रीज कंट्रोल ऑफ बिजनेस डिसीजन बाय शेयर होल्डर, रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन शेयर होल्डर एंड मैनेजमेंट, सिंप्लीफाइड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ शेयर होल्डर इन डे टू डे एक्टिविटीज। मीन्स अगर ओनरशिप मतलब जो शेयर होल्डर है और जो मैनेजर्स वगैरह डायरेक्टर वो कंपनी के क्या है अलग अलग है, तो उसकी क्या डिसएडवांटेज है? ऑफकोर्स यही हो सकता है कि आपस में लोगों का कलेश होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो अपना सोचेंगे वो अपना सोचेंगे। वॉट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ लीगल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी? मीन्स जो कंपनी का कॉम्प्लेक्स लीगल स्ट्रक्चर है उसकी मेजर ड्रॉबैक क्या है कि कंपनी इसके वजह से इन्वेस्टर नहीं अट्रैक्ट कर पाती है, टैक्स फिलिंग रिक्वायरमेंट सिंपल हो जाएगी, इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंप्लायंस कॉस्ट, या ईज ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। सो ऑफकोर्स इंक्रीज हो जाएगी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, रेगुलेटरी कॉस्ट है, वो बढ़ जाती है अगर आपका लीगल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसके थ्रू जाना पड़ेगा और जो भी पेमेंट वगैरह है वो करनी पड़ेंगी, ठीक है, तो वो कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। सो ये है आपके सारे आंसर जो हमने डिस्कस किए हैं, अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में दे देंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।